यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल जाटलैंड की 58 सीटों पर कई सियासी दिग्गज अपना दांव आजमाएंगे। चुनाव से जुड़ी 8 बड़ी खबरें देखिए सियासत सुपर 8 में। इसके बाद यूपी चुनाव का पहला चरण कुछ घंटे बाद शुरू होने वाला है। 10 फरवरी को पश्चिमी और ब्रज क्षेत्र में शामिल यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। इन 58 सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलाकर कुल 623 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचने के लिए अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 58 सीटों में से 53 पर जीत मिली थी। कोई मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें। 10 फरवरी को वोटिंग में योगी कैबिनेट के 10 मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, थाना भवन से सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, अतरौली से संदीप सिंह, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, शिकारपुर से अनिल शर्मा, आगरा कैंट से जीएस धर्मेश और हस्तिनापुर से दिनेश खटी की किस्मत का फैसला वोटर तय करेंगे। पहले चरण के चुनाव में करीब 8,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वर्चुअल तरीके से वोटर्स को रिझाने के बाद अब बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना सबसे बड़ा दांव चलने जा रही है। 11 फरवरी को बरेली में पीएम मोदी की जनसभा होगी। ये यूपी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पहली फिजिकल रैली होगी। 2 दिन पहले बिजनौर में खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की चुनावी रैली रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ को वर्चुअली संबोधित किया था। बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है। दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होगा, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी का मानना है कि मोदी की रैली का असर सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और शाहजहांपुर की सीटों पर भी पड़ेगा। पीएम की रैली के मद्देनजर 10 तारीख को बरेली में होने वाली सीएम योगी और 11 तारीख को होने वाली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सभी कार्यक्रम निरस्त हो सकते हैं। उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले बीजेपी धामी सरकार की वापसी के लिए पूरी ताकत से जुटी है। खबर है कि 12 फरवरी को उत्तराखंड में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। अपने प्रचार में सीएम योगी रुड़की, खटीमा और कोटद्वार में जनसभा करेंगे। यूपी चुनाव में खुद सीएम योगी बहुत बिजी हैं, लेकिन उत्तराखंड में योगी की डिमांड ज्यादा होने की वजह से पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मजबूत करने के लिए उनकी रैली रखी है। सभी ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। कुछ सर्वे उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आने का दावा तक कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने देवभूमि में अब योगी को उतारने का फैसला किया है। साल 1972 में योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, फिर राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए योगी ने उत्तराखंड छोड़ दिया था। बीजेपी को उम्मीद है कि योगी का उत्तराखंड कनेक्शन चुनाव में पार्टी को फायदा दिला सकता है। चुनावी मौसम में पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। 8 फरवरी को सिद्धू पार्टी के प्रचार के लिए अमृतसर के दशमेश नगर गए थे। वहां कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया कि सिद्धू वायरल हो गए। दरअसल वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि सिद्धू मंत्र पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सिद्धू अपने हाथों से खास किस्म के इशारे भी करते दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त सिद्धू ये इशारे कर रहे थे, उस समय कांग्रेस नेता राजविंदर भाषण दे रहे थे। सिद्धू का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर सिद्धू के मीम्स भी बनने लगे। आलाकमान ने सिद्धू की जगह चन्नी को कांग्रेस का सीएम फेस बनाया। उसके बाद से सिद्धू की पार्टी से नाराजगी की लगातार खबरें आ रही हैं। सिद्धू की तरफ से अब पत्नी नवजोत कौर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कैपेसिटी ऑफ नवजोत सिद्धू या उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी इंटेलिजेंस या उसका पंजाब मॉडल, मैं कहती हूँ इंडिया में कहीं नहीं है। तो सिद्धू साहब बेहतर चेहरा हो सकते थे? डेफिनेटली हो सकते थे। एक तरफ बीजेपी सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से जुटी है, तो दूसरी तरफ सबसे छोटे सूबे गोवा में भी पूरा दमखम दिखा रही है। गोवा में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन किया। अमित शाह ने मायम विधानसभा और बिचोलिम विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार अभियान को अंजाम दिया। इस दौरान शाह ने बीजेपी कैंडिडेट प्रेमेंद्र और राजेश पाटनेकर के लिए वोट मांगे। शाह के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी दिखे।
उधर राजनाथ सिंह ने दक्षिण गोवा में प्रचार किया। 40 सीटों वाली गोवा असेंबली में एक चरण में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। कल ही बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने गोवा में सबसे अधिक सीटें जीती थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। यूपी चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वंदना सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की है। इस्तीफे के बाद शक्ति विधान घोषणा पत्र की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। आपको जो मध्य जोन का उपाध्यक्ष बनाया गया जी, ये तो बनाया ही गया था। ये सिलसिलेवार इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? अनदेखी कर रहे हैं अपने ईमानदार कार्यकर्ताओं की। मुझे तो ये लग रहा है जिनकी अच्छी सोर्स है, जो जिनकी अच्छी पहुंच है, अपनी बात पहुंचा ले रहे हैं, सिर्फ उन्हें टिकट मिल रहा है। मेहनत करने वालों का कोई यहाँ मान सम्मान नहीं है, तो हम पार्टी में ऐसी पार्टी में रहकर क्या करेंगे, रात दिन मेहनत करते हैं। वंदना सिंह से पहले कांग्रेस के कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे की पोस्टल गर्ल प्रियंका मौर्य भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।